दैट्स गुड दैट्स गुड अस्सलाम वालेकुम. थोड़ा सा जरा इनका वॉल्यूम ऊंचा करें, ये लोग मुझे समझ में नहीं आ रहे थे. 1 2 3 1 एक बार फिर प्लीज मंसूर, प्लीज गो 1 2 3 एंड गो. देयर यू गो, दैट्स इट. यस हम लोगों की बहुत एनर्जी आज, बहुत ज्यादा एनर्जी. आज का शो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के शो के अंदर बहुत सारी खास बातें हैं. मैंने कल आपसे कुछ प्रॉमिसेस किए थे. सबसे पहले तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर माय बैंड सिटिंग राइट देयर. इनके लिए बहुत सारी तालियां और एक ताली आप लोग अपने लिए बचाइए. यू गाइस आर वंडरफुल. थैंक यू. द पीपल हु आर वॉचिंग मी, आपको मैं बता दूं कि आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं. एसएमएस का तरीका बहुत आसान है. आज जो सबसे अच्छा एसएमएस आएगा, मोहब्बत के नाम पे. वी ऑल नो व्हाट लव इज. हमको पता ना कि प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है. नहीं पता? मैं आपको बताता हूं मोहब्बत क्या होती है. मोहब्बत वो होती है कि जब हमारे पॉलिटिशियंस ये दावा करते हैं कि वो स्वतंत्र से बहुत प्यार करते हैं. मोहब्बत ये होती है. मोहब्बत ये होती है कि 65 साल से एक मुल्क में वो मुसलसल सच्ची बातें करते चले जाते हैं. हर अखबार में सच बोलते हैं, हर टेलीविजन पर सच बोलते हैं, इंटरव्यू के अंदर चुप करके बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं करते, और फिर मुल्क को एक खास नहज पे पहुंचा देते हैं. हम उस नहज को कहते हैं लगर तू लगर, लगर तू लगर. या हम मोहब्बत दिखाना चाहते हैं हमारे सियासतदानों की, जो कि उनको इस वतन से है, इस मट्टी से है. उन्होंने इस मट्टी की मोहब्बत में आकर पाकिस्तान का कितना साथ दिया है, कितना उसको बनाया है. वी वॉन्ट टू शो इट टू यू. देखना चाहेंगे आप लोग? आप लोग भी देखना चाहेंगे? नहीं, मैं उनसे पूछ रहा था. ये लोग जो इधर कैमरे के बाहर. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. कहते हैं साहब कि मोहब्बत कुछ नहीं देखती, अंधी होती है. आई थिंक हमारे पॉलिटिशियंस भी मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं. या सच्ची बात है, मुझे पता नहीं, हो सकता है कल ये शो बंद भी हो जाए. या बट लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो, वॉच दिस. Very nice. देखिए शराब आता है, कोई बात नहीं है. लोग एक दूसरे पे फिल पड़ते हैं, कोई बात नहीं है. No problem. नलकों में पानी नहीं है, हवा है. मुझे फिक्र ये नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये कि ऐसे ही ना चलता रहे. Yes! सो दिस इज व्हाट इट इज. अभी अच्छा एक खातून को मैंने भी देखा, उन्होंने जब ये पिक्चर्स देखी थी ना, तो शी इज गोइंग लाइक ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था. मैं भी ये कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने गम से लड़ने के बहाने निकाले हुए. देखिए पिछले 65 सालों में हमारे पॉलिटिशियंस ने इस बात का पूरा पूरा सबूत दिया है कि वो पाकिस्तान को कैसा बनाना चाहते हैं. आप पाकिस्तान को कैसा बनाना चाहते हैं ये आप पे है. आप हमारे पॉलिटिशियंस से ज़रूर सवाल कीजिए,
उनसे पूछिए तो सही क्या सोच रखा है आपने. खैर एनीवे, यू नो दैट्स अप टू यू. इफ यू वांट टू आस्क दैट क्वेश्चन यू सर्टेनली कैन. मैंने कल आपको जो शो दिखाया था उसके अंदर हमारे पास कमांडर मुनीफ साहब आए थे और उनके पास एक पाइथन था, और पाइथन के बाद मैंने उनसे पूछा था कि पाइथन के अलावा उनके पास कौन से स्नेक्स हैं. तो दुनिया में एक सांप होता है जिसे कहते हैं वाइपर. अगर 50,000 मौतें होती हैं दुनिया में सालाना सांपों की वजह से, तो उसमें से 20,000 अमवात जो होती हैं वो वाइपर के काटने की वजह से होती हैं. और एक बात और, अगर वाइपर खुदा ना खास्ता किसी को डस ले या काट ले तो आदमी के पास 20 मिनट होते हैं, टोटल 20 मिनट. अगर वो उस वक्त में एंटीवेनम नहीं ले सका तो वो मर सकता है. सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वो प्रॉमिस जो कमांडर मुनीब ने हमसे किया था. वॉच दिस. वाइपर दुनिया का खतरनाक तरीन पॉइजनस स्नेक जो है वो हमारे साथ शो पे होगा.